8 दिसंबर 2010 पंजाब भर में अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए असातिज़ा ने जिस तरह का पुरतशद्दुद तरीका अख्तियार किया उसकी मिसाल तालीमी मैदान में शायद ही मिलती हो। कौम के वो मेमार जिनके हाथों में कौम की तकदीर होती है हाथों में डंडे लिए कौमी इमलाक को ही नुकसान पहुंचाने लगे। हुकूमत पंजाब से मुतालबात को तस्लीम कर लेने की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब भर के असातिज़ा ने पुरतशद्दुद एहतजाज का आगाज कर दिया। और पूरे पंजाब से असातिज़ा यूनियंस ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। पंजाब का शायद ही कोई बड़ा शहर ऐसा होगा जहां तोड़ फोड़ और हंगामा आराई ना हुई हो। असातिज़ा से ऐसे एहतजाज की तवक्को बिल्कुल न थी। पंजाब के वजीर कानून राणा सनावला ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर दरअसल उकसाने वाली एक मजहबी सियासी जमात है जो धरने देने और अवाम के गैज़ो गज़ब को महमेज देने में अपना सानी नहीं रखती। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने असातिज़ा की इस कार्रवाई को रोकने के लिए सख्ती बरती जिस पर हर तरफ वावेला मच गया। सवाल ये है कि क्या कौम के मामारों को एहतजाज का ये तरीका जेब देता है? क्या पब्लिक सेक्टर में चलने वाले कॉलेजेस का तालीमी मयार जदीद तालीम के तकाजे पूरे कर रहा है? क्या तालीम मुहैया करने वाले इदारों पर कोई चेक होना चाहिए? क्या अवाम वाकई तालीमी निज़ाम में इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असातिज़ा को सियासी कठपुतली बनते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज का ये तरीका अपनाना चाहिए?